गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ पाँच या नींद कहाँ से आती कविता को पढ़ेंगे जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे और उन्हें वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में भी उन्होंने नई जान डाली। उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो कविताएं दो देशों का राष्ट्रगान हैं। पहला भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगणमन, और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। इन दो देशों भारत और बांग्लादेश में जो उनकी कविता है उस देश का राष्ट्रगान है। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था और पिताजी हमेशा व्यापक रूप से यात्रा पर रहते थे, इसलिए उनका जो पालन पोषण है अधिकतर नौकरानियों द्वारा किया गया। उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। उनकी 5 संतानें थी जिसमें 2 की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में ही हुई। तो यह जीवन परिचय था कवि रविंद्रनाथ टैगोर का। अब हम जानेंगे कि कविता में उन्होंने क्या कहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ टैगोर नींद के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जब वे इस बारे में नींद के बारे में अपने विचार, लोगों के तरह तरह के विचारों को भी प्रकट कर रहे हैं। पंक्तियों पे ध्यान देंगे, या नींद कहाँ से आती, या नींद कहाँ को जाती, आकर शिशु की आंखों में जो हौले से उसे सुलाती। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह नींद कहाँ से आती है, कहाँ फिर चली जाती है, इस बात का ज्ञान या इस बात का रहस्य, यह एक रहस्य ही है और इस बात का ज्ञान किसी को नहीं है। नींद जो शिशु की आंखों में आकर प्यार से उसे धीरे से सुलाकर फिर चली जाती है। दूसरी पंक्तियां देखें, कहती सुनती है दुनिया, वह है परियों की दुनिया, जुगनू चमके वन छाया में दो वहां मोहनी कलिया। कवि बताते हैं कि नींद कहाँ से आ रही है। कवि कहते हैं कि लोगों का विचार है कि नींद जो है परियों की दुनिया से आती है, और परियों की दुनिया कैसी है यहाँ पे उसका चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि परियों की दुनिया में जो वन है, वन की छाया में जुगनू चमकते हुए नजर आते हैं और वहां पर दो मन को मोहने वाली कलियां भी रहती हैं। आगे देखिए, है चली वही को जाती, फिर लौट वही को आती, आती है वह फिर के शिशु के अधरों पर छाती। कवि कहते हैं कि नींद परियों की ही दुनिया से आती है और परियों की ही दुनिया से वापस लौट जाती है, और वह आकर बार बार आकर शिशु के होठों पर मुस्कान लाती है। जो छोटा सोया हुआ बच्चा होता है वह नींद में भी मुस्कुरा रहा होता है। क्या उसे पाया कोई जान जो सोए शिशु को हर्षाती, कहाँ जन्मी थी वह मुस्कान मधुर मुस्कान खिलाती। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया है कि कौन सी बात नींद में शिशु को खुश करती है। इस मुस्कान का रहस्य कोई नहीं जान पाया है कि यह मधु जो मुस्कान शिशु के होठों पर है वह कहाँ से आती है। धन्यवाद।